इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना बिल भरते हैं, अपना पे बिल करते हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड से, तो कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको टाइप करना होगा यहाँ पर यूपी बिल, ठीक है। तो आप उसे यहाँ पर सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ये वाला पेज दिखाई दे जाएगा, यूपी पीसीएल बिल एंड पे बिल, ठीक है। तो इसे आपको जो है खोल लेना, ऑफिशियल वेबसाइट है ये, तो इसको खोल लेते हैं। और खोलने के बाद अब यहाँ पर आपको एक अकाउंट नंबर दिया जाएगा, ठीक है। एक तो ये वाली वेबसाइट हो गई, यहाँ पर ये बड़ी पेज में खुल गई, अब एक छोटे पेज में यहाँ पर ऊपर वाली होगी। दोनों सेम ही हैं, सेम ही तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपकी नहीं लिखा हुआ आता तो उसमें आपको लिखा आता है कि क्या इशू चल रहा है आपके अकाउंट पर, जैसे कि होल्ड हो जाता है आपका बिल तो आपको उस पर दिखाई देता है, इस पर कुछ भी नहीं दिखा देगा। अब यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल देना है जो आपका रहता है। तो मैं यहाँ पर वो डाल दे रहा हूँ और देखता हूँ कि हमारा बिल कितना हो गया है, कितना नहीं होया। तो यहाँ पर मैंने जो है अकाउंट नंबर डाल दिया और इसे खोल लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा अकाउंट खुल रहा है, देखिए यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको पे करना है बिल, तो अपनी जो है ईमेल डाल देनी है जिससे कि आपको रिसिप्ट्स मिल सके, कि जो आपकी रिसिप्ट्स है यहाँ पर अपना अमाउंट तो ऑटोमेटिक डाला आएगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे नीचे आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए कि किससे पेमेंट सबमिट करेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट या नेट बैंकिंग से, ठीक है। तो उसके बाद ही आप पेमेंट को यहाँ पर भेज सकते हैं और अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों में से आपका कोई एक रहेगा, नेट बैंकिंग, यूपीआई, भीम या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल वॉलेट, चारों पांचों चीज़ों में से एक आधी चीज़ आपके पास होनी ज़रूरी है। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।